नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। युवा इंजीनियर्स को स्वावलंबी बनाने की मुख्यमंत्री युवा इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर योजना फेल होती दिख रही है। इंजीनियर को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन पिछले 3 सालों में 1200 इंजीनियरों को ट्रेनिंग तो मिली, पर किसी को भी रोजगार स्थापित करने के लिए बैंक से लोन नहीं दिया गया। 16 जनवरी 2013 को आयोजित युवा पंचायत में मुख्यमंत्री ने युवा इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर योजना शुरू करने की घोषणा की थी। अगस्त 2013 से प्रदेश में यह योजना लागू कर दी गई, जिसके तहत हर साल 600 डिग्रीधारी इंजीनियरों को 6 माह की ट्रेनिंग करवाकर उन्हें स्वरोजगार से लगाना था। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षित युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को सब कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने का मौका देना था। इस योजना के तहत 6 माह की ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षण लेने वाले इंजीनियरों को 5,000 प्रतिमाह अनुदान के रूप में दिया जाता था। वहीं फील्ड ट्रेनिंग के लिए भत्ते के रूप में 2,000 की राशि मिलती थी। 2013 से शुरू हुई योजना का चलन अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है। 6 माह के प्रशिक्षण के दौरान हर साल 500 डिग्रीधारी इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर की ट्रेनिंग दिलाई जानी थी। 3 साल तक जो योजना चलाई गई, जिसमें डिग्रीधारी इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया था, लेकिन अब वर्तमान में इस योजना का चलन खत्म होता दिख रहा है, कम होता दिख रहा है, और इसके एक नहीं कई कारण है। भोपाल निवासी कैलाश पाटीदार बताते हैं कि इस इंजीनियरिंग करने के बाद, बीई करने के बाद सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और खुद रोजगार स्थापित करने जब वह बैंक से लोन लेने का प्रयास करने लगे तो बैंक ने पहले गारंटी मांगी, इसके बाद उन्हें लोन मिल सका। आज वह किसी अन्य कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहे हैं। योजना की शुरुआत में 25 लाख का लोन नहीं मिल पाया। 25 लाख का लोन बैंक से लेने के लिए सरकार गारंटी लेने को तैयार नहीं है, जिसके कारण ट्रेनिंग प्राप्त इंजीनियरों को उससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि योजना बंद करनी पड़ रही है। बता दें कि विभाग ने वर्ष 2014 से लेकर 2018 तक करीब 1200 इंजीनियरों को ट्रेनिंग दिलाई, लेकिन उन्हें लोन नहीं मिल सका। इस पर विभाग ने कोई ध्यान भी नहीं दिया और अब इस योजना को लोक निर्माण विभाग ने अपनी वेबसाइट से हटा भी दिया है। यानी उन तमाम इंजीनियरों ने जो सोचकर ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। युवाओं को रोजगार दिलाने की सरकार बड़े बड़े वादे और दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप इस योजना से समझ सकते हैं।